नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से घर में पड़े हुए एक वेस्ट मटेरियल से आप एक ट्रेंडी एंड डेकोरेटिव आइटम अपने घर के लिए बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस DIY विद अ वेस्ट पीस ऑफ वुड। साइज़ आप इस वुड पीस का आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंगली आप इस DIY को बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर मैं एक तरफ मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी पेंट। तो मैंने पेंट करने के लिए लिया है यहाँ पे वॉल पेंट। आप चाहें तो ऑयल पेंट या एक्रेलिक पेंट या जो भी पेंट आपके पास अवेलेबल हो उसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वॉल पेंट के मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी दो कोट। अप्लाई करने के बाद इसको मैं कुछ देर ड्राई होने के लिए रख दूँगी। ड्राई होने के बाद आप देख सकते हैं ये सरफेस किस तरह से दिख रहा है। इस DIY में आगे बढ़ते हुए अब ये यहाँ पर सेंटर में मैंने प्लेस किए हैं दो मिरर। आपके पास अगर सिंगल मिरर अवेलेबल हो तो आप उसे सेंटर में प्लेस करके इसके मेजरमेंट ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ चेक कर रही हूँ कि ये इक्वली सेंटर में प्लेस हुआ है। उसके बाद मैं इसके आउटर साइड में मिरर्स के आउटर साइड में एक मेजरमेंट ले लूँगी और उतने एरिया जो मिरर के बाद बचा है उसी एरिया में आगे का DIY कंटिन्यू करूँगी। तो इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग करने के बाद इस एरिया के बाहर ही मैं अपना DIY स्टार्ट करूँगी। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं या मेरी तरह आप एक काम कर सकते हैं कि आप फोम शीट लीजिए और उस पर कुछ ड्राइंग्स आपको जो डिज़ाइंस आपको बनाने हैं उस पर ड्रॉ कीजिए और उन्हें कट कर लीजिए। इस तरह का मैंने कुछ डिज़ाइंस फोम शीट पे बनाए और उन्हीं को इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर इनको पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लूँगी। और इसी तरह इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैंने एक बॉर्डर फ्रेम रेडी कर लिया है। स्टेप में मैंने यहाँ पर ली है वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। मैंने अप्रॉक्स हाफ कटोरी वॉल पुट्टी ली थी और उसमें 2 to 3 स्पून मैंने यहाँ पर इसमें फेविकॉल ऐड कर दिया है और उसके बाद पानी ऐड करते हुए इसका मैं एक थोड़ा सा थिक पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट की कंसिस्टेंसी आप हाथों पर लगाने जाने वाली मेहंदी की कंसिस्टेंसी जैसी ही रखिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये आइसिंग बैग्स लिए थे जो केक को डेकोरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, तो आप इनको बिल्कुल मत लीजिएगा। इसकी जगह आपको यूज़ कर सकते हैं फेविकॉल की खाली ट्यूब या कोन आप बना सकते हैं उससे आप बनाइए। उसमें इस वॉल पुट्टी के पेस्ट को फिल कीजिए और इससे आगे का काम हम करेंगे। मैंने यहाँ पर बना लिया था बट ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा क्योंकि इससे डेकोरेट करने में इससे आगे काम करने में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आई है। और इसी तरह से आपने जो भी यूज़ किया है फेविकॉल की खाली ट्यूब या कोन उसी की हेल्प से आप यहाँ पर इस डिज़ाइन ड्रॉ की हुई डिज़ाइन पर कोन वर्क करेंगे और इस पूरे वर्क को कंप्लीट करेंगे। As you can see here, ये कितना अनक्लियर डिज़ाइन ड्रॉ हुआ है और बिल्कुल भी नीटनेस नहीं है। तो आप प्लीज़ इंश्योर करें कि फेविकॉल की एम्प्टी ट्यूब में आप ये पेस्ट को फिल करें और उससे यहाँ पर कोन वर्क करें, और एल्स आप कोन भी बना सकते हैं और उसको थोड़ी सी उसकी जो नॉजल है उसको मोटा कट करें सो दैट आप थोड़ा सा हैवी डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट कर पाएँ।
कोन वर्क कंप्लीट होने के बाद इसको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स के लिए रख दीजिए ड्राई होने के लिए। ड्राई होने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का दिखेगा। आई एम श्योर आपका DIY इससे ज़्यादा बेटर बनने वाला है, क्योंकि अगर आप कोन प्रॉपर कोन यूज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा ही बेटर आप बना सकते हैं। अब अप्लाई करते हैं इसके ऊपर कलर। कलर्स आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ और मैंने लिया है ब्लू एक्रेलिक कलर और इसको मैं फिल करूँगी यहाँ पर। ये डिज़ाइनिंग पार्ट मोरक्कन डिज़ाइन से इंस्पायर है। आप देख सकते हैं मोरक्कन डिज़ाइन में इस तरह के ब्रिक डिज़ाइन को काफ़ी फॉलो करते हैं, तो उसी को मैंने इस DIY बनाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन में नीटनेस नहीं होने के बाद भी ये कितना खूबसूरत अभी से दिख रहा है। कलरिंग पार्ट डन होने के बाद यहाँ पर सेंटर में अब मैं यहाँ पर मिरर स्टिक करूँगी। मिरर स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फेवी बॉन्ड। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए ग्लूगन बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि ग्लूगन से मिरर इतना हैवी मिरर स्टिक नहीं होगा और वो गिर सकता है, तो प्लीज़ ये ध्यान रखें। मिरर स्टिक होने के बाद अब देखते हैं इस DIY का फाइनल लुक कैसा आता है। इस तरह के मिरर डेकोरेटिव आइटम आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं एंड काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलते हैं, लेकिन आप इन्हें घर में बना सकते हैं एक वेस्ट वुड पीस के साथ और मिरर के साथ। अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी एक नए इंटरेस्टिंग एंड इजी DIY वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।